नमस्कार, मैं हूं प्रणव से मल्टी प्लान आनंद और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज काल आज और कल। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारी सरकार ने लिया। मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में भी आम व्यक्ति को कोविड की जंग को जीतने का में मदद दी जा सके, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया सरकार ने। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्र जिस तरह हैं, हर विधायक अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया कोविड की जंग में आम आदमी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपये का खर्चा कर सकता है विधायक निधि से, जिसके माध्यम से वो ICU वार्ड्स हो, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों और अन्य तमाम तरह की सुविधाएँ जो कोविड की जंग में आवश्यक हैं, उनको उस पर 1 करोड़ रुपये खर्चा करने का जो आज ये एक अधिकार दिया, जिसमें मान्य सम्मानित विधायक जिलाधिकारी और CMO के साथ विचार विमर्श करने के बाद किस हॉस्पिटल में क्या हो सकता है उसकी आपूर्ति कर सकता है। ये एक ऐसा निर्णय है जिससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में जो छोटी छोटी SADs भी काम कर रही हैं, जो एडिशनल PHU और PHC जो काम कर रहे हैं, बड़े अस्पतालों के अलावा यहाँ पर भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी, जिससे सुदूर क्षेत्र में भी आम आदमी को कोविड की जंग में उसका इलाज हो पाएगा और इसका फायदा निस्संदेह इस भौगोलिक रूप से बड़ी विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सुदूर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय से निस्संदेह कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में एक बहुत बड़ी मदद राज्यवासियों को मिलेगी।